आज हमारी मोटरसाइकिल यात्रा सिरसा में पहुंची है। 3100 किलोमीटर चलकर हम आपके शहर में पहुंचे हैं और ये देख रहे हो हमारे समाज का वजूद, इनमें उत्साह। हमने तो पहल कर ही ली थी, लेकिन हमारे समाज की जो उन्नति देखकर, विश्वास देखकर ऐसा लगता है कि हमने ये गढ़ जीत ही लिया। तो पूरे हरियाणा का भ्रमण किया सर, किस तरह के लोग आपको मिले हैं? हमने पूरे प्रदेश भर में जिला 70 हलकों में पूरे प्रदेश का भ्रमण किया। भ्रमण के बाद हमारे वैश्य समाज के लोग तो उत्साहित थे ही थे, लेकिन हम जब चल पड़े थे तो छत्ती बिरादरियाँ ऐसा स्वागत कर रही थी कि हमारी 11-11 बजे रात्रि तक उन्होंने हमारा मान किया, सम्मान किया और हमारे को आशीर्वाद दिया। कोई मुश्किल नहीं आई, समाज की एकता को देख के, समाज का आशीर्वाद लेते हुए। परेशानी तो थी ही नहीं, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, हमने बारिश नहीं देखी, आंधी नहीं दिखा, तूफान नहीं दिखा। इतना प्यार मिल रहा था, इतना उत्साह मिल रहा था, पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो किस उद्देश्य को लेकर यात्रा चली थी, अब उद्देश्य कहाँ तक पूरा हुआ? उद्देश्य यात्रा तो आज समापन पे है और उद्देश्य है ये हमारा 1 अक्टूबर को जींद में 3:30 बजे अर्जुन स्टेडियम में इसका निमंत्रण देने के लिए यात्रा निकाली गई थी। हम आज सिरसा में भी ये पूरे वैश्य समाज को हम निमंत्रण देने के लिए पहुँचे हैं। हम ये चाहेंगे कि सिरसा से भारी मात्रा में जींद में लोग पहुँचे। रिकॉर्ड 12 साल पहले हरियाणा में रैली नहीं हुई थी, हरियाणा में तो पहली बार वैश्य समाज की रैली हो रही है। हमारा मांगेराम गुप्ता जी थे, हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, स्पीकर साहब हैं, आज 8 विधायक हैं। आने वाला टाइम मंच के माध्यम से हम 15 से लेकर 20 विधानसभा की सीटें समाज के लिए मांगेंगे। 1 लोकसभा की, 1 राज्यसभा की टिकटें हम मांगने का कार्य करेंगे। बिल्कुल उठाएगा जी, हम मंच के माध्यम से 50,000 लोगों की संख्या में आवाज उठाएंगे तो प्रदेश में उठगी, राजनीतिक पार्टी अपने आप आ जाएगी, हमारे एम विधायक जोशी पूछ लेगी और पब्लिक से भी पूछ लेगी। देखिए यात्रा आज समापन पर है, आप उत्साह और उमंग देख सकते हैं और जिस तरह का, इसी तरह का वातावरण पूरे 11 दिनों में 75 कस्बों में रहा। बारिश आई, तूफान आई, धूप हुई, वैसे समाज का बंधु, बहनें, माताएं निकलकर सड़कों पर इस यात्रा का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुई और मैं समझता हूं कि आज वैश्य समाज में इतनी ज़बरदस्त जो है चेतना है, इसका उदाहरण जो है आप सबको जो है 1 अक्टूबर को जींद में देखने को मिलेगा। पहली बार हरियाणा के इतिहास में वैश्य समाज की रैली हो रही है और ये रैली ऐतिहासिक होगी, वैश्य समाज की राजनीति को नई दिशा प्रदान करेगी और जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं, हमारे 6 राज्यों में आज वैश्य समाज का 1 भी लोकसभा का सदस्य नहीं है, हरियाणा में राज्यसभा का 1 भी सदस्य नहीं है, विधानसभाओं में हमारा प्रतिनिधित्व तो बढ़े, व्यापारी वैश्य समाज जो है व्यापारी समाज है उसकी सुरक्षा का सवाल है, उसके मान सम्मान का सवाल है, इन सब उद्देश्यों को लेकर, हमारे समाज की समस्याओं को लेकर हम जो है आकलन करते घूम रहे हैं और उसके समाधान के लिए जो है वैश्य संकल्प रैली एक